बात है, टेंशन क्यों हो रहे हैं? मेरे पास आ गए, शांति रखिए। मेरे पास आते ही आपके सारे टेंशन दो मिनट में गायब हो जाएंगे। बैठिए। डॉक्टर, उसने इंजेक्शन लगा दिया। क्या इंजेक्शन? कौन सा डॉक्टर? डॉक्टर नहीं, पुलिस। पुलिस? पुलिस एनकाउंटर देते हैं। डॉक्टर, मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे तो कुछ कुछ हो रहा है डॉक्टर। तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि इंजेक्शन जिसने दिया वो MBBS नहीं है, IPS है। नर्स। Excuse me, मैं श्रीमान नाम का श्रीनिवास हूँ। क्यों हैरान हो रहे हैं? She is a very nice doctor. आपका ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव। सर, मेरा ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है। श्रीराम जी। फिर क्या डॉक्टर, मेरा ओ पॉजिटिव है, बच्चा नहीं है। सर का भी ओ पॉजिटिव है, उनको भी बच्चे नहीं है। उनके पहले बेटे को ही पैदा हुए, 28 साल हो गए। सुपर सर। सर आपको भी बच्चा कैसे पैदा हुआ मुझे बताइए। अबे संभालो इसको। ये तुम क्या कर रहे हो? ना मतलब के बकवास कर रहा है, इसके टुकड़े टुकड़े ना करे तो क्या करे? पहले चाकू हटाओ ना। आप ही बोलिए। थैंक यू, जान बची लाखों भाई। अपने तजुर्बे और कड़ी मेहनत से मैंने ये ढूंढ निकाला है। सुन, बताइए बताइए कि आपके शरीर में किसी ने बहुत ही जहरीला जहर इंजेक्ट कर दिया। वो डॉक्टर, वो मैं भी जानता हूँ, आप क्या कर रहे हैं बताइए। क्या नहीं तो? करना चाहिए बताती हूँ। इस तरह बौखलाना नहीं, इस तरह सर पीटना नहीं, इस तरह कूटना नहीं। अब मैं क्या करूँ बताइए? वेरी सिंपल, एंटीडोज लगाना है। लगाइए लगाइए। घबराइए नहीं हुजूर, पकड़िए इनको। नहीं, जिन्होंने इंजेक्शन डाला उनको कॉम्बिनेशन पता लगने पर ही मैं एंटीडोज लगा सकती हूँ। नहीं करेगा। ओफो, तब तो 15 मिनट में ही ये बनने वाले हैं। लेकिन उसने तो 12 घंटे बताए थे। नर्स, देखा, सबको मेरे साथ रह के बोर लगता है ना, लेकिन इनको मेरे साथ टाइम को पता ही नहीं चला। देखिए, घंटे का ऐसे ही निकल गया। डॉक्टर, मैं बच्चों जाऊंगा ना। एक घंटे के हिसाब से 200 ml का खून खराब होने वाला है। ओहो। एक घंटे में एक बार फ्रेश ब्लड चढ़ाएंगे, बिना किसी दर्द के आप बच जाएंगे। अपने लिए ब्लड का इंतजाम आप खुद ही कर लीजिए। डॉक्टर, वो पॉजिटिव ब्लड वाले को मैं कहाँ जाके ढूंढूं? अरे वो पॉजिटिव ही तो है। क्यों? ओफो, मेरी आंखें बंद हो रही है, जल्दी से खून चलाइए ना। सर, उसके मुंह में ट्यूब डालकर लगातार जूस पिलाते रहिए। एक घंटे में ब्लड रेडी हो जाएगा, ठीक है? हेलो, आई एम डॉक्टर राधा जयचंद्रन, MBBS FRCS। आपके साथ एक उल्लू होगा, जरा उसे फोन दीजिए। यहाँ उल्लू कौन है? साहब है, शादी के लिए कह रही है। जीजा जी बोलिए। लेकिन तुम्हारा नाम ईश्वर मूर्ति है ना? जान ही जा रही है तो आप नाम फोन तो दीजिए। क्या करना है, क्या करना है, बता तो सही क्या करना है। बड़े हिटलर थे, अब डर रहे हो? मेरे बाप, मैं क्या करूँ बता। सत्य फिश मार्केट जाओ। शुरू से आज तक तूने जिन जिन लोगों से पैसे लिए वो सब गिन के ले जाओ। उनके मेहनत की कमाई एक घंटे के अंदर उनको दे दो। एक घंटे में? एक घंटे के अंदर मैं पैसे कैसे ले जाके दूं? मैं चाहता हूँ तुझे टाइम दूं, मगर तू मरने वाला है ना। इच्छा। सच्चा मार्ग ऐसे जाने से शॉर्टकट है। नहीं जी, उस तरफ जाएंगे तो शमशान घाट आएगा। इसी रास्ते में मेरा घर है, उधर जाने के लिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ट्रीटमेंट? क्या ट्रीटमेंट? जो जैसा करेगा ऐसा पाएगा। ये चेक करके सबको मैंने पैसे तो दे दिए, लेकिन लेकिन अब क्या करूं? रुक जाओ, सिगरेट पीने से वैसे ही जिंदगी के 5 मिनट कम हो जाते हैं और तुम्हारे सिर्फ 60 मिनट हैं। तब से मैं देख रहा हूँ, कुछ ज्यादा नाटक कर रहे हो। मैं मामूली आदमी नहीं हूँ, गुस्सा है तो ज्वाला ज्वालामुखी। हेलो, उस 420 को फोन दो। हाँ, 420? वो कौन है? अरे दे दो। थोड़ी देर पहले उल्लू बताया था, अब ये 420 कौन है? उल्लू से 420 ही अच्छा है, उसी में फिक्स हो जाइए। अब मैं क्या करूँ बताओ? वहाँ से सीधा गांधी स्ट्रीट जाओ, भोलाराम से जो जमीन तूने हथियाया था वो उसे वापस करो। सराफत से जमीन के डॉक्यूमेंट्स और पैसे दे दो। मुझे कुछ मत कीजिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे नहीं बड़े मियां, मैं लेने नहीं देने आया हूँ, लाना वो पेपर दे दे। मुझे डर लग रहा है। अरे तुमसे ज्यादा मुझे डर लग रहा है, ले लो पैसे दे दे। 100 साल खुशहाल रहो मेरे भाई। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना समय नहीं है इनके पास, बस थोड़ी ही देर। इसके बाद जीना है तो फोन वाला ही जाता है। कृपया करके जमीन के कागजात आपका मिल गए, उसे बता देना। चलो गाड़ी निकालो।
जीजा, बस बस चलिए। हेलो, हाँ भाई, अगला ऑपरेशन कहाँ है? सिंगापुर? सिंगापुर? सिंगारेवेल यूनिवर्सिटी। नाना, लेकिन इनके पढ़ने की उम्र नहीं है। यूनिवर्सिटी को हार्बर की तरफ से जाने के लिए क्यों? मेरे ट्रांसफर होने के बाद हार्बर देखा ही नहीं। मरने से पहले आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? अच्छा, हार्बर हो गया हम लोग। आराम से नीचे नीचे। अरे इस जाने से मुझे निकाल सकते हैं। अच्छा ख्याल है, अभी यम काल है, अभी मरने से हम लोग जा सकते हैं। क्या करें, नीचे कीजिए। श्री राम, तुम जूस पियो। अब मुझे क्या करना है बता? तुम डॉक्टर ईश्वर मूर्ति हो ना? हाँ भाई हाँ। फिर दूसरा डॉक्टर क्यों? अपना ट्रीटमेंट आप करो। अबे वो मेरी डिग्री है। लेकिन मुझे पसंद नहीं, वापस दे दो। सोचो मत, यूनिवर्सिटी जाके सर मैं बुल्लू हूँ, प्रतिभाशील नहीं कहके डॉक्टर की डिग्री वापस कर दो। रख लीजिए। समझा नहीं? मैं ठहरा एक नाकारा और मेरी कोई औकात नहीं, मुझे डॉक्टरेट की डिग्री क्यों चाहिए? रख लीजिए, रख लीजिए। मैंने सुन लिया, अब डॉक्टर के होने को इज्जत मिली। अबे तू मेरा साला कैसे बना? तू मेरा नाक से खून बह रहा है। बिल्कुल घबराइए मत, पहले एक ही द्वार से निकलना शुरू होगा, उसके बाद दोनों द्वारों से बहने लगेगा। ये बैंडेज यही, यहाँ बाजू में ही मेरा घर है, मैं जाकर ला दूँ। वापस आएंगे? ऐसा सिल्ली गेम आपको नहीं खेलना चाहिए। आप चले जाएंगे तो इनको ब्लड कौन देगा? वो तो पैकेट आपके है बदन से चाहिए। इतनी हमदर्दी, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जान निकली जा रही है। हेलो, घबराइए मत, रुक जाएगा। कब? जान जाते ही। जान? और कितना पीना है? पी पी कर लगता है मेरी जान जाएगी। नहीं पियेंगे तो भी मरेंगे। तो मेरा मरना निश्चित है? हाँ, वैसे दोनों के बीच ज्यादा गैप नहीं होगा, और एक ही इंजेक्शन में दोनों को मारने का मेरे करियर का सबसे बड़ा खिताब होगा। थैंक यू सर, थैंक यू श्री राम जी, जय बजरंग बली। इस बार तो सीधे आप ही से बात कर रहा हूँ, उठाइए। कल्याण आश्रम जाके उनसे हथियार या गेस्ट हाउस वापस करो। ये लीजिए गेस्ट हाउस के सारे कागजात रख लीजिए। अबे चुप ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। आइए जीजा। एक मिनट एक मिनट, आपको कुछ पूछना है। मैं क्यों हूं? मैं इनका सगा भाई हूं। अबे तू कब मेरे साथ पैदा हुआ? का रिश्ता एक पैकेट में, पैकेट पैकेट करके दे रहा हूँ। चलो सब हटिए हटिए, पीछे हटिए, थोड़ी देर में वो मर जाएंगे, उसके बाद आप फोटो खींचना, ठीक है? इसके अंदर मेरा फोटो खींचिए, ईश्वर मूर्ति मेरा भाई है। समाज सेवा कैसे बने? देखिए आप टेंशन मत होइए, मैं बताती हूँ। सेवा ऐसे कर रहे हैं, छोटे भाई बता रहे हैं ये कर रहे हैं। छोटा भाई कौन है? भगवान भगवान, राजनीति में कब आ रहे हैं? नहीं आ सकते, इतना समय कहाँ है? चुनाव के लिए लंबा समय है। इनका काउंटडाउन शुरू हो गया है, अब ये मरने वाले, उसके बाद इनका डिपॉजिट कैपेसिटी पता चल जाएगा। आप सब लोग हार के साथ रेडी रहिए। सर एक और सवाल सर। नो क्वेश्चन सर, प्लीज सर 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 सर। हेलो, रायपुर शिव मंदिर। सर 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 प्लीज सर 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 सर। हेलो, विमला जी अन्नदान कर रही हैं, वहां जाओ। जा रहा हूँ जा रहा हूँ। देखा? हाँ, देखा। उनके पांव पकड़कर अपने पापों की क्षमा मांगो। मुझे माफ कर दो बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे जीवन दान दे दो। तुम चाहो तो मैं जिंदा रह सकता हूँ। करुणा दिखाओ मेरी बहन, मुझ पर पीपल करुणा दिखाओ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कह दो कि तुमने माफ कर दिया बहन, कह दो मुझे माफ कर दिया। कहते हैं जो दिया बुझने वाली है उसी में सबसे ज्यादा रोशनी होती है, ये बात आपको देखने के बाद ही समझ में आई। अपनी दिया बुझने से पहले आप कितनों की जिंदगी को रोशन कर रहे हैं। डॉक्टर उठा दूंगा। चलिए अपना दाया हाथ उठाइए। नहीं उठा पा रहे तो मुझे कहाँ उठाएंगे। ओफो, ये सारे मोबाइल कनेक्शंस बेकार जा रहे हैं, कोई फोन नहीं आ रहा। हाँ, मैं आराम से एसी रूम में बैठकर अपना डॉक्टरी कर रही थी। आपकी मेहरबानी है कि मैं बीच सड़क में आ गई। वैसे तुम्हारे आदमियों को तुम्हारे बारे में कोई फिक्र नहीं है, जैसे टीवी पर 2020 क्रिकेट मैच देखते हैं वैसे ही तुम्हें मरते हुए देख रहे हैं। विवेकानंद नगर जाना है, कितना लोगे? 150 रुपया। बहुत टू मच, 100 रुपये होंगे। 150 रुपया बोला ना, फिर भी 100 रुपये होंगे। मैं 100 रुपये ही देने वाला हूँ। 150 रुपये देने तो चलूंगा। श्री राम जी, मरने से पहले भी आपको मोल भाव करना है, अपने जीवन का मोल 50 रुपए। चलिए आप जूस पीजिए ना।
हेलो कौन? मेरे पति देव, बोलिए ना, कब तक आओगी? वो जहर वाला इंजेक्शन लगा के कितना टाइम हो गया? 11 घंटे हो गए हैं। अच्छा, तब तो मैं एक घंटे में आ जाऊंगी। एक घंटे में घर जा सकते हैं? इनके जाने से एक दर्द निकल जाएगा। आप मारेंगे तो आपकी बीवी भी यही कहेगी। आपके जाने पर अस्पताल में भी वही कहेंगे। जूस पियो। हेलो, फिर से पति का नहीं, तुम्हारा पति देव। अब बता मैं क्या करूं? बनने की बात सुनकर मेरी हर बात मान लिया तूने? और क्या क्या करना होगा? नाउ नो टेंशन, कूल। अब तुम्हें बचाने वाला इंजेक्शन जेवी सेंटर कॉम्प्लेक्स कार पार्किंग में है, कार नंबर TN69P0101। एंजॉय। सर फेंके हुए सेल को लौटाइए ना। अरे जाओ रे, जाके नंबर ढूंढो। उस गाड़ी को ढूंढने से पहले ये आदमी मर जाएगा। इसकी समाधि शायद यहीं पर होगी। डॉक्टर ऐसा मत बोलिए, उसे मुझे सेल खरीद के देना। ए, गाड़ी कहाँ है? पीछे मुड़ के देख। अरे जिस गाड़ी से हम आए थे उसी में दबा रखा है। ये तो सबसे बड़ा खिलाड़ी है। थैंक्स, मेरे घर में मुझे भी ऐसे ही कहेंगे। संभल के, संभल के। दवा मिल गई। अच्छा, मिल गई। यही है, इसी में है। छोटे भाई इसी में रखा क्या? मैं देखी थी इसको, लेकिन मैं देखती हूँ इसका क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट। एक्सपायरी बहुत जरूरी है। 2012 सितंबर। ओके, जल्दी सुई लगाओ। जल्दी जल्दी नहीं, आराम से आराम से। अभी पूरे 2 मिनट है। अस्तन ऊपर कीजिए और थोड़ा और ऊपर और ऊपर। मूर्ति सर, इस इंजेक्शन के लिए आपने कितने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं? मेरे करियर का सबसे कॉस्टली इंजेक्शन है ये। हे बजरंगबली, आप बच गए, आप बच गए, आप बच गए हैं। जान आपको वापस मिल गई।